नमस्कार, मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। रघु शर्मा की नामांकन रैली में उमड़ा जन सैलाब, केकड़ी में बहेगी विकास की गंगा, कहा डॉक्टर रघु शर्मा ने। डॉक्टर रघु शर्मा ने दाखिल किया नामांकन पत्र। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से आज कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने से पूर्व अजमेर रोड स्थित राइस मिल पर एक विशाल आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार के कुशासन से हर तबका त्रस्त है और विधानसभा चुनाव में भाजपा की भ्रष्ट सरकार का सुपड़ा साफ होगा। डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि एक बार फिर केकड़ी में विकास की गंगा बहेगी और उन्होंने उपस्थित जन सैलाब से कहा कि केकड़ी के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। आम सभा को अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शक्तावत, ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत, प्रधान धाकड़ सीमा चौधरी, हरिराम तोशनीवाल, नीलू दुनीवाल, शक्ति प्रताप सिंह राठौर, पार्षद अतिक तंवर, आशीष जैन, अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय जैन, शहर महासचिव शिव कुमार बंसल, देहात कांग्रेस आईटी सेल के अध्यक्ष कपिल सारस्वत, ओमा मालाकार, चंद्रपाल चौधरी, अर्जुन आचार्य सिंह राठौर आदि वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया। सभा के बाद नामांकन रैली के लिए निर्वाचन अधिकारी केकड़ी के समक्ष पहुंचे और नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। इस अवसर पर नामांकन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा पुत्र सागर शर्मा, धर्मपत्नी वीरा शर्मा ने खोड़ा के बालाजी में पूजा अर्चना कर जीत की मनोकामना की। हॉस्पिटल बनियो बाद 5 साल में को खोड़ो ही न बनियो, यको डॉक्टर ही ना आया। हम देख आपने आई के वो हाईवे भी आपके केकड़ियों का निकालियो आप तो वो भी देखभाल लायक है। मतलब जो है मसूदा से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पारीख को टिकट देने पर विरोध प्रदर्शन बढ़ता हुआ, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन जारी। आगामी विधानसभा चुनाव में मसूदा से कांग्रेस के प्रत्याशी राकेश शर्मा को टिकट देने के विरोध में राकेश पारीख को टिकट देने के विरोध में पूर्व संसदीय सचिव एवं पूर्व विधायक ब्रह्मदेव कुमावत एवं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव अजीत खान चीता के नेतृत्व में मसूदा से सैकड़ों कांग्रेसजनों ने आज जयपुर स्थित राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन एवं नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि मसूदा विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी राकेश पारीख को उतारा गया है, जो कि बिहारी है और पैराशूटर है। अगर कांग्रेस को मसूदा विधानसभा सीटें झोली में डालनी है तो पुनः विचार करना होगा, अन्यथा कई प्रत्याशी दावेदार निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। प्रदर्शन करने वालों में पूर्व संसदीय सचिव एवं पूर्व विधायक ब्रह्मदेव कुमावत, अजीज खान चीता, अशरफ सरपंच, हबीब मोतीपुरा, लालाजी किशापुरा, राकेश शर्मा व अन्य सैकड़ों कांग्रेसी उपस्थित थे। लूट की वारदात को अंजाम देने वाला मुलजिम गिरफ्तार, मार्टिन ब्रिज पर एक व्यक्ति के साथ की थी लूट, तफ्तीश जारी। 2 नवंबर को मार्टिन ब्रिज पर फैसलाबाद रोड निवासी अनिल चौरसिया के साथ कुछ युवकों ने लूटपाट की थी, जिसमें अनिल चौरसिया से मुलजिमों ने 1,96,000 रुपए लेकर भाग गए थे। इसके बाद पुलिस ने आज कार्रवाई करते हुए इस मामले में एक को गिरफ्तार किया है और उसके पास से एक बाइक भी बरामद की गई है। आगे का अनुसंधान जारी है। दिनांक 2/11/18 को फाइसागर निवासी अनिल चौरसिया ने क्लॉक टावर थाने पर आकर एक रिपोर्ट दी कि मेरे साथ मार्टिन ब्रिज पे अज्ञात बदमाशों ने लूट किए, जिसमें 1,97,260 रुपये नकदी छीन कर ले गए। इस पर मुकदमा दर्ज करके एसपी साहब ने विशेष टीम गठित की थाने की, सीआई साहब के नेतृत्व में, और स्पेशल टीम को मेरे नेतृत्व में आदेश दिए कि जल्द से जल्द इनको ट्रेस करके और अरेस्ट करें, जिस पर आज आकाश रील पुत्र अशोक कुमार फैसागर रोड को मुखबिर की सूचना पर स्पेशल टीम एएसआई नरेंद्र जी और इनके साथ थाने का जाब्ता, जिसमें हेड कांस्टेबल सीलू गोपाल और सभी साथ में थे, और उसको वहां से दस्तयाब करके थाने लाए, जिसमें जो वारदात में जो मोटरसाइकिल यूज़ की वो आज बरामद की है और उसको अरेस्ट किया है। अब आगे की तफ्तीश जारी है, जिसमें एक मुलजिम प्रदीप नारायणिया मुख्य अभियुक्त है, जिसने ये रेकी करके और इस वारदात को अंजाम दी थी, तो उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करें। सर माल भी हुआ, माल अभी इससे तफ्तीश में आएगा जब इसकी इतला से बरामद होगा। सर आपका नाम? विजय सिंह।
धकते हुए अंगारों पर चलकर मनाया मातम। 18 कब्रें बनी हशीम के ताबूत की जियारत करवाई। 17 नवंबर निकटवर्ती ग्राम दुराई में शनिवार को शिया समुदाय के लोगों ने नवासे रसूल की याद में अलविदाई मातम मनाया। मातम के दौरान अकीदमंद इमाम हुसैन की याद में दहकते हुए अंगारों पर चले और जंजीर कमा ब्लेड से खूनी मातम किया। कार्यक्रम की पहली मजलिस सुबह 8 बजे दरगाह हजरत अब्बास पर शुरू हुई, जिसे मौलाना तौसीफ अली ने खिताब फरमाया, जिसके बाद बनी असद का मंजर पेश किया गया। दूसरी मजलिस हुसैनिया मशदी मस्जिद में सुबह 10 बजे से शुरू हुई। तकरीर के बाद 18 कमरे बने हाशिम के सभी एक ताबूत की जियारत करवाई गई। हुसैनिया बाबुल मुराद में मौलाना सैयद हैदर मेहंदी साहब की तकरीर के बाद अंतिम मजलिस में करबला से मदीने के सफर का मंजर पेश करते हुए अमारी का जुलूस निकाला गया। शाम 5 बजे सैकड़ों की संख्या में बच्चे बड़े बुजुर्गों ने नवासे रसूल की याद में दहकते हुए अंगारों पर चलकर मातम किया। सिंधी बोली समिति ने कल शाम आयोजित किया दिवाली मिलन समारोह, सभी सिंधी समाज के लोग हुए शामिल, सिंधी बोली को बढ़ावा देने का लिया संकल्प। सिंधी बोली समिति द्वारा कल शाम वैशाली नगर में दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सभी महिला पुरुष शामिल हुए। इसी दौरान गीत संगीत प्रस्तुति नाच गाना भी हुआ। समाज के पदाधिकारी ने समाज के लोगों को सिंधी बोली को बढ़ावा देने के लिए संकल्प भी दिलाया। सिंधी विकास समिति आज वाधवानी साहब के घर पे एक सिंधी परिवार ने सब मिल कर के दिवाली मिलन का प्रोग्राम रखा गया। इसमें सभी सिंधी समाज के लोगों ने बड़े उत्साह के साथ दिवाली मिलन का प्रोग्राम रखा। इसमें यह निर्णय लिया गया कि सिंधी समाज में जो अभी बच्चे जो सिंधी समाज में सिंधी अभी भाषा दूर होती जा रही है, उसको आगे बढ़ाने के लिए सिंधी बच्चों को सिंधी में बात करने के लिए जोर दिया गया। और इसमें जो जितना जो हो सकता है हम सिंधी बच्चों को भी साथ में लेके आएंगे अगले साल जो भी प्रोग्राम होगा। और अभी ये डिसाइड हुआ है कि ये प्रोग्राम साल में न रख करके हर 3 महीने में रखा जाए, और इस पर हम जोर दे रहे हैं और सिंधी समाज में सिंधी बोली के ऊपर बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान दिया जाए, यही हमने एक निर्णय लिया है। और बहुत उत्साह के साथ यह सिंधी समाज ने वाधवानी साहब के परिवार के साथ में हमें बुलाया, उसके लिए धन्यवाद। अपन राधा कृष्ण आहूजा। आज हमारे निवास स्थान पर सिंधी बोली विकास समिति के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसके साथ दिवाली मिलन समारोह भी रखा गया था। यह दिवाली मिलन समारोह हमारे निवास पर हर साल आयोजित होता है, इस साल भी उसी क्रम में यहाँ आयोजन किया गया था। सभी परिवार के साथ उपस्थित हुए सुरेश कुमार सिंधी साहब, सुरेश बबलानी साहब, हमारे रावलानी साहब, राधा कृष्ण आहूजा साहब, पारवानी साहब एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित हुए और सभी ने अपने अपने विचार रखे तथा यह जोर दिया कि सिंधी भाषा का विकास किया जाए। इसमें सभी लेडीज़ भी उपस्थित थी, उन्होंने अपने गीत गाए, गीत गा के डांस वगैरह भी किए और सबने बहुत अच्छा आनंद उठाया। और हम चाहते हैं कि हमने यह सबको दिया है कि वो सब लोग आपस में सिंधी में ही बात करें, और जो बच्चे घर में सिंधी में नहीं बात करते हैं हम उनके घरों में जाकर उनको सिंधी सिखाएंगे और सिंधी भाषा बोलने की कोशिश करेंगे। मैं MT वाधवानी, सचिव सिंधी बोली विकास समिति। सिंधी बोली विकास समिति के लिए आज एक दिवाली मिलन समारोह वैशाली नगर क्षेत्र में किया गया, जिसमें सिंधी भाई सहपरिवार उपस्थित रहे। दिवाली मिलन समारोह भी आयोजित किया गया और सिंधी बोली के विकास के लिए चर्चा की गई। सिंधी बोली की विस्तार के लिए अधिक से अधिक लोग सिंधी लोग आपस में बात करें, सिंधी भाषा को पढ़ें, सिंधी विषय को लें, इस बारे में चर्चा करके और यह निर्णय लिया गया कि परिवार के सभी सदस्य और आपस में सभी एक दूसरे से सिंधी बोलें। भीलवाड़ा में भी शुरू हुई कांग्रेस में बगावत, चुनाव से पहले हो रहे हैं कांग्रेस को भारी नुकसान, कांग्रेस की सूची से नाराज कई नेता और कार्यकर्ता। भीलवाड़ा जिले के मंडल विधानसभा क्षेत्र में बले कांग्रेस ने जाट को टिकट दे दिया है। कांग्रेस के अंदर बगावती तेवर दिखने शुरू हो चुके हैं। शनिवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा 32 प्रत्याशियों की सूची जारी, जिसमें मंडल से पूर्व मंत्री एवं भीलवाड़ा डेयरी चेयरमैन रामलाल जाट को मैदान में उतारा। जैसे पार्टी ने पूर्व मंत्री रामलाल जाट का टिकट मांडल से फाइनल किया, जिला परिषद सदस्य प्रद्युमन सिंह राणावत ने बगावती तेवर अपनाते हुए अपने आवास पर युवा कार्यकर्ताओं से कहा कि मांडल विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, मैं पूरे तन मन और धन के साथ मांडल विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ हूं, मुझे पहले भी जिला परिषद में निर्दलीय जीत मिली और निर्दलीय मैदान में उतर लूंगा। इस दौरान युवा कार्यकर्ता मौजूद थे। आज आपने अपने आवास पर हुंकार भरी कि चुनाव लड़ूंगा, और किस तैयारी के साथ आप 19 को चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हो? मेरी कोई तैयारी नहीं, मेरे साथियों की मेरी तैयारी।
मैं तो इतने दिनों व्यस्त था, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इतनी तादाद में मेरे साथी, युवा साथी मेरे घर पर मौजूद थे। लेकिन जान के बहुत खुशी हुई कि लोग और युवा साथी मेरे साथ केवल टिकट की वजह से या किसी पार्टी की वजह से नहीं, जबकि निजी तौर पर मेरे साथ मेरे निजी व्यवहार और निजी प्रेम से। कांग्रेस के पदाधिकारी द्वारा आपको कहा जाता है कि ठीक है ये निर्दलीय रूप में चुनाव न लड़े, तो भी आपका क्या एक ही रहेगा मिशन चुनाव लड़ना? मैंने पहले जिला परिषद का चुनाव लड़ा, तब भी मुझे कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था। 19 तारीख को मैं मेरे युवा साथियों के साथ फॉर्म भरने जाऊंगा और वहीं आप लोग रुझान देख लेंगे कि मंडल की जनता और युवा साथी क्या चाहता है। उसके युवा साथी, मेरे मंडल के जमस्त, मेरे बुजुर्ग, सबको उस दिन पता लगेगा कि केवल एक टिकट की वजह से ही जनता किसी को नहीं नकारती, सकारात्मक सोच होना। कांग्रेस के उम्मीदवारों ने टिकट मिलने के बाद की पहली प्रेस वार्ता का सभी समाज को लेकर चलेंगे साथ। टिकट वितरण के बाद आज अजमेर कांग्रेस की पहली प्रेस वार्ता आयोजित हुई, जिसमें कांग्रेस अजमेर अध्यक्ष विजय जैन, अजमेर उत्तर के प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता और अजमेर दक्षिण के प्रत्याशी हेमंत भाटी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मीडिया के कई सवालों के जवाब दिए तो भाजपा के सामने कई सवाल खड़े किए। प्रत्याशी रलावता ने कहा कि 15 सालों में भाजपा ने कोई कार्य नहीं किया है। रलावता ने कहा कि एकमात्र दौलतबाग था, वहां पर भी टिकट सिस्टम कर दिया गया है। ऐसे कई निशाने कांग्रेस ने भाजपा पर इस प्रेस वार्ता में साधे। और हम लोग सतत प्रक्रिया के रूप के अंदर अजमेर के अंदर जो सचिन पायलट जी ने मुझे उम्मीदवार बनाया, हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय विजय जैन साहब के नेतृत्व के अंदर। अध्यक्ष जी का जो नेतृत्व रहेगा, कल हम लोगों ने जो नामांकन दाखिल किया, कल हेमंत भाई भी दाखिल करेंगे। अध्यक्ष जी पूरे चुनाव की बागडोर को जिस तरह संभालेंगे, जैसे निर्देश देंगे। पर मैं तो आप लोगों से एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं दोस्तों, अजमेर में 15 साल विकास के नाम जिसको जो नारा देके आए थे, मैं कांग्रेस के माध्यम से कहना चाहूंगा 15 साल अजमेर के विनाश के नाम, जैसे अजमेर की तरक्की रुक गई, अजमेर का विकास रुक गया, नौजवान का हाथ खाली है, महिलाओं को सम्मान नहीं है। एकमात्र अजमेर के अंदर दौलतबाग था, जो गरीब व्यक्ति जाके वहाँ रोटी खाता था, अपने बच्चों को घुमाने लेके जाता था, आज वहाँ भी आपको टैक्स देना पड़ रहा है। पहले विजयलक्ष्मी पार्क गया, फिर आज़ाद पार्क गया और अब सुभाष उद्यान भी गया। कहाँ हमारा अजमेर का व्यक्ति जाएगा, बैठेगा, बात करेगा? पिछले 5 साल के अंदर की बात नहीं, 15 साल में एक भी विकास के रूप काम के रूप के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अगर कराए हो तो मैं साधुवाद दूंगा, मैं धन्यवाद दूंगा, मैं उनका स्वागत भी करूंगा। और 15 साल के अंदर न तो एक नया कल कारखाना आया, अगर आज लोको और कैरिज जब बंद होने के कगार पर खड़ा था तो सचिन पायलट जी ने दोनों को 150 करोड़ रुपये दिला के पुनर्स्थापित किया। जब हमारी अजमेर की टिकट प्रिंटिंग प्रेस बंद हो गई थी, उसको पुनः उन्होंने स्थापित कराया। जब HMT बिल्कुल खराब हो गई पड़ी हुई थी, तो 29 साल बाद में उसका फिक्सेशन कराया। लंबा चौड़ा समय दिखाया, सारी चीज़ें हुई। देखो आप जो कह रहे हो उसका जवाब वैसे मैंने दे दिया है, किसी समाज विशेष की बात नहीं है। कांग्रेस सब पार्टी, सब जातियों को और सब समाज को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। अगर कोई समाज नाराज है तो हम उनसे बात करके उनको मना लेंगे। साथ लेके चलने की बात आपने अच्छी कही, तो बीच में छोड़ क्यों दिया किसको? नहीं तो साथ है, पार्टी टिकट तो एक ही देगी ना, जो पार्टी टिकट एक ही देगी। पैदा हो रही है, देखो हमने पहले उस समाज को आपको बता दूं, उस समाज को जब भाईती जी को टिकट दिया था, उस समाज का UIT का चेयरमैन बनाया था कांग्रेस ने, समाज को कभी भी पीछे नहीं छोड़ा था। तो आप भरोसा दिला रहे हैं कि कहीं चेयरमैन बना रहे? नहीं, तो पार्टी समय चलेगी। मैंने देखिए, निश्चित तौर पर समाज साथ देती है तो उसको कोई ना कोई प्रतिफल के रूप में कांग्रेस देगी, मैं बिल्कुल विश्वास दिला रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन समाज को भी एक जागरण पे रहके कांग्रेस को कांग्रेस एक मैं जरा आपकी आपने मूवमेंट बोलना चाह रहा था कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं समाज विशेष का, तो कल मैंने नामांकन दाखिल किया, तो मेरे नामांकन दाखिल के अंदर जितने सीनियर वो समाज विशेष के नेता थे, सब कल शामिल थे और आप लोग तमाम लोग उससे गवाह हो। तो अगर वो समाज ही पूरा होता, मैं समाज नहीं है, कुछ लोग जो निहित सवार्थी लोग हैं जिनके लाभ पूरे नहीं हो पाए। आज के तारीख में अगर नाम कहें तो मैं आपको कम से कम 30 नाम बता सकता हूँ सामाजिक संस्थाओं के अंदर। समाज को इन्होंने जो वादे किए, इनका जो मैनिफेस्टो था,
उसके अंदर इन्होंने एक भी कार्य पूरा नहीं किया है सिवाय जनता को बेवकूफ बनाया है। चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात की हो इन्होंने कि 15 लाख युवाओं को राजस्थान सरकार रोजगार देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हम 2 करोड़ लोगों को युवाओं को हर प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। आज हमें जवाब दें, सरकार जवाब दे, दोनों मंत्री जवाब दें कि अजमेर की क्या भागीदारी रही रोजगार के अंदर। अजमेर के अंदर पानी की जो मूलभूत समस्या थी, आज जिस बीसलपुर को अजमेर के लिए कांग्रेस सरकार के अंदर लाया गया था उस बीसलपुर को तोड़ मरोड़ कर और जिस तरह आज अजमेर का हक छीना जा रहा है, अजमेर के लिए जिस तरह इन्होंने दुर्व्यवहार किया है और अजमेर के लिए दोनों नेताओं ने कभी आवाज़ नहीं उठाई, उसके लिए हम सवाल करना चाहते हैं कि अजमेर में जो पानी 96 घंटे में 108 घंटे में 72 घंटे में जिस तरह पानी आ रहा है तो उस पर जवाब क्यों नहीं देते, जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहाँ अजमेर आई और उन्होंने हमारे स्वतंत्रता दिवस पर झंडा रोहण किया उसमें वादा किया था हम निमट लेंगे और ये सब लोग आपके नाम लेने वाली तिथि तक सब बैठ जाएंगे और सब एक होके कांग्रेस को जिताएंगे, सब एक जाजम पर बैठ कर जिताएंगे। कार्यकर्ता को और एक उस व्यक्ति को टिकट देती है जो सबके को साथ लेके चलने की क्षमता रखता है, तो कोई जाति विशेष के लिए कभी भी कांग्रेस ने नहीं किया आज तक भी। अब कोई जाति विशेष नाराज है तो उनसे भी वार्ता करके उनको भी हम हमारे साथ लेंगे। जो कसलिया जी ने कहा कि आप लोग कैसे चुनाव जीतेंगे, कसलिया जी 3% युवा मतदाता हर साल आपके यहाँ जुड़ता है और पिछले 5 साल के अंदर वो नौजवान 18 साल का व्यक्ति उत्तर और दक्षिण दोनों जगह जुड़ा है, तो तकरीबन आपके 30 से लेकर 35 हज़ार नया मतदाता आपके साथ ऐड हुआ है और वो ऐड हुआ है जो ट्विटर पे चलता है, व्हाट्सएप पे चलता है, जो मीटिंग होती थी उस मीटिंग में बोलता था मोदी मोदी जो बोलता था, आज वो मोदी के ऊपर सबसे ज़्यादा कमेंट मीडिया से और कांग्रेस से भी ज़्यादा कमेंट वो कर रहा है, वो बदलाव चाहता है, मतलब नौजवान बदलाव चाहता है। तो ये मान जिस तरह से विधानसभा के चुनाव के बिगल बच चुका है, मैं आप सभी के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, हमारे प्रदेश के हर दिल अजीज जैसे अपनी हट धर्मिता और हर तरह के व्यवस्थाओं को ठप करने के बाद भी अपनी जिद पर अड़ी हुई हैं, राजस्थान का कोई विकास नहीं हुआ है, पूरा प्रदेश इस बात को झेल रहा है, महंगाई का दंश झेल रहा है, विकास के नाम पर सारी गति रुकी पड़ी है, स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ पर अजमेर शहर के अंदर कुछ भी नया नहीं हुआ है, शैक्षणिक स्तर अगर देखें तो लगातार गिरता जा रहा है, स्थायी विकास के नाम पर यहाँ पर सेवा सप्ताह का हुआ समापन, लोगों को विधिक सेवा के कार्य से किया लाभान्वित। समापन समारोह में कई न्यायिक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी रहे उपस्थित। विधिक सेवा सप्ताह का आज समापन हुआ और समापन समारोह में आज न्यायिक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारीगण शामिल हुए। इस विधिक सेवा सप्ताह में कई लोगों को विधिक सेवा से लाभान्वित किया गया। इसी क्रम में एक मोबाइल वैन को भी हरी झंडी दिखाकर गांव गांव ढाणी ढाणी में सेवाओं के लिए जागरूक किया गया। माननीय रालसा के निर्देशन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर द्वारा दिनांक 12 तारीख को विधिक सेवा सप्ताह का आयोजन किया गया जो एक सप्ताह का था। आज दिनांक 18 को विधिक सेवा समापन समारोह में माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय जो अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, अजमेर के समस्त न्यायिक अधिकारीगण, समस्त प्रशासनिक अधिकारीगण, अन्य विभागों से पधारे हुए प्रतिनिधिगण, एनजीओज और हमारे पीएलवीज, पैनल एडवोकेट्स, इन सब की गरिमामय उपस्थिति में हमारा विधिक समापन समारोह बहुत ही धूमधाम से आयोजित किया गया, जिसमें पूरे सप्ताह भर में हमने हमारे जो न्यायिक टीम है, न्यायिक सदस्यों की जो जजेज हैं उनकी टीम बनाई थी हमने, उन सब टीम ने 38 कैंप आयोजित किए जिसमें हमने 6600 लोगों को विधिक सेवाओं की जानकारी से लाभान्वित किया। इसके अतिरिक्त जो हमारा इसी क्रम में दिनांक 9 से और 18 तक का डोर टू डोर कैंपेन चला है उसमें हमने
लगभग 13,701 लोगों की विधिक सेवा की जानकारी के रूप में पहचान की, उनको जानकारियां उपलब्ध कराई। 161 लोग ऐसे चिन्हित किए गए जिन्हें फ्री लीगल एड की आवश्यकता है, उन्हें मोटिवेट किया गया, उन्हें प्रोसीजर समझाया गया और उनको आगे के लिए सारी शर्तें समझाई गई और पात्रताएं बताई गई। इसके अतिरिक्त हमारी विभिन्न तालुकाओं में भी विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। हमने जो शुभारंभ किया था उसमें बच्चों की जागरूकता रैली एवं मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखा करके उनको रवाना किया गया, जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जाकर के पैम्पलेट द्वारा, मीडिया के द्वारा और अधिक से अधिक वाद विवाद के द्वारा, नुक्कड़ नाटक के द्वारा इसका विधिक सेवाओं का प्रचार एवं प्रसार किया गया, जिसका बड़ा सफल आयोजन आज माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय श्री विनोद कुमार जी भारवानी साहब की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। इसमें बड़ी अधिक संख्या में लोग पधारे, हम उन सबका भी साधुवाद करते हैं। मीडिया पर्संस का भी अत्यधिक प्रशंसनीय सहयोग रहा उसके लिए भी, और विशेष रूप से जो हमारे PLVs हैं जिन्होंने वाकई में। गढ़ विधानसभा क्षेत्र से कल कई दावेदारों ने भरा नामांकन, सभी नामांकन भरने वालों के साथ नजर आए उनके समर्थक। भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र शनिवार को नामांकन के नाम रहा, जहां कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार अनिल डांगी, निर्दल ओम नारनीवाल, आम आदमी पार्टी के सुनील आगीवाल, शिवसेना के आशीष जोशी तो वहीं जाजपुर के भाजपा अधिकृत उम्मीदवार मास्टर गोपी चंद ने अपना नामांकन दाखिल किया। भीलवाड़ा से कांग्रेस के बागी नगर परिषद के पूर्व सभापति ओम नारनीवाल ने बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क किया। इसके साथ ही जिले के बड़े दलित नेता प्यारे लाल खोईवाल ने भी निर्दलीय रूप से अपना पर्चा दाखिल किया है। ओके बेटा, एक सेकंड चलो, ओके थैंक यू। अस्सी तेरे पास आदमी वाले आनासागर झील में आए विदेशी परिंदे। विदेशी परिंदों को देखने के लिए रोज चौपाटी पर आते हैं लोग, हर साल आते हैं ये परिंदे। अजमेर की विश्व प्रसिद्ध आनासागर झील में इन दिनों रंग बिरंगे प्रवासी पक्षियों के कलरों की गवाह बनी हुई है। बड़ी संख्या में विदेशी परिंदे यहाँ डेरा डाले हुए हैं। देश विदेश से आए परिंदे स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी बने हुए हैं। इन पक्षियों की झील पर उड़ान का बहुत ही मनमोहक नजारा होता है। साइबेरिया और अन्य ठंडे प्रदेशों के पक्षी इन दिनों आनासागर झील में अठखेलिया करते हुए नजर आ रहे हैं। इन दिनों इन पक्षियों की उड़ान और अठखेलिया लोगों को बरबस ही अपने और आकर्षित कर रही है। बच्चे और महिलाओं के साथ ही बड़े भी इनको देखने के लिए मुंह नहीं छोड़ पा रहे। सुबह सूरज निकलने के साथ ही लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और इन पक्षियों के लिए दाने का जुगाड़ करते हैं। लोगों द्वारा डाले जा रहे दाने को झपटने के लिए पक्षियों के झुंड किनारे की ओर बढ़े चले आते हैं। एक साथ इन पक्षियों की आवाज जब निकल। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonin.com। सच के साथ।